दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि अगर आपके पास गूगल पे अकाउंट है तो आप अपने गूगल पे ऐप में डेबिट या क्रेडिट कार्ड कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप देखते हो स्क्रीन पे कि यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है और यहाँ पे देखिए मैंने अकाउंट के ऑप्शन पे जैसे क्लिक किया पेमेंट मेथड पे, दोस्तों यहाँ पे नीचे देखिए एक ऑप्शन है ऐड क्रेडिट या डेबिट कार्ड। तो अगर आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो आप गूगल पे ऐप में इसको ऐड कर सकते हैं और इससे भी आप जो है पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास पहले से कोई गूगल पे अकाउंट है तो उसमें अगर आप जो है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ऐड करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन करना है। इसको ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आइकन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा बैंक अकाउंट, तो सिंपली आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे जितने भी बैंक अकाउंट आप ऐड किए होंगे वो सभी बैंक अकाउंट का यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है लिस्ट। तो देखिए दोस्तों मैंने सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट यहाँ पर मैंने लिंक किया हुआ है, तो इसी बैंक का मेरे पास एक डेबिट कार्ड है तो इस डेबिट कार्ड को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो दोस्तों ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड क्रेडिट या डेबिट कार्ड, तो सिंपली आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हो ऐड कार्ड, तो सिंपली आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ तो आप चाहे तो फोटो भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है यहाँ पे इंटर डिटेल्स मैनुअली के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और कार्ड नंबर को यहाँ पे डाल दीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कार्ड नंबर, तो सिंपली आपको कार्ड नंबर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपने डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो उसका कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए मैं अपना कार्ड नंबर सबसे पहले डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने कार्ड डिटेल्स डाल दिए। जैसे पेंसिल के आइकन पर हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमारे देखते हैं कार्ड डिटेल्स में क्या है, कार्ड नंबर हो गया, उसके बाद एक्सपायरी डेट हो गया और यहाँ पे सीवीसी नंबर यहाँ पे डालने का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको सबसे पहले अपना एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद दोस्तों क्या करना है कि सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर लिखा हो कनेक्टिंग योर बैंक। तो यहाँ पर कुछ आपको कुछ मिनट आपको प्रोसेस होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग आपका जो कार्ड डिटेल्स है उसका यहाँ पर प्रोसेसिंग होने लगेगा। तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको वेरीफाई करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप ईमेल से भी वेरीफाई कर सकते हैं, उस पर आप अपना फ़ोन नंबर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना फ़ोन नंबर से भी वेरीफाई करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन नंबर है उससे वेरीफिकेशन यहाँ पर होगा। तो आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP कोड को यहाँ पर आपको डाल देना। देखिए दोस्तों फ़ोनपे का, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पे जो है OTP आ गया है। OTP यहाँ पे सक्सेसफुली भी ऐड हो गया है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वेरिफिकेशन होने लगा है। देख सकते हैं कोटक महिंद्रा के बैंक की तरफ से यहाँ पे OTP आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और ऐड ए पास का ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं और इसको करेंगे यहाँ से हम बैक। बैक करने के बाद क्या होगा कि आपका जो कार्ड है, कार्ड सेटिंग ऑफ कार्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे देखिए आपका जो कार्ड है वो डिटेल्स यहाँ पे सेटअप हो गया है। दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कोटक महिंद्रा का ये डेबिट कार्ड है और यहाँ पे मैंने सेटअप कर लिया है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो इसको आप चाहे तो यहाँ से डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं कार्ड को। दोबारा अगर आपको पसंद नहीं है यहाँ पे ऐड करना, आपको लगता है कि मुझे नहीं ऐड करना चाहिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, तो बाद में इसे आप यहाँ रिमूव कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है कि फ़ोनपे एप्लीकेशन में आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप कैसे ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता है कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो से लेकर के आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना तक, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।